नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पूर्व में अवगत कराया था कि 2 मार्च के आसपास राजस्थान में आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता देखने को मिलेगी, तो दोस्तों सेम कंडीशन आपको बीते 24 घंटों में राजस्थान में देखने को मिली थी और राजस्थान के लगभग 5 संभागों में इसकी वजह से जोरदार बारिश भी आपको देखने को मिली है। इस चैनल ने दोस्तों आपको जब जब भी बारिश के बारे में अवगत कराया है, तो दोस्तों आगामी दिनों में आपको सेम कंडीशन अभी तक राजस्थान में देखने को मिली है। दोस्तों, इस चैनल से आपको किसी भी तरह की कोई फेंक और अफवाह वाली न्यूज नहीं दी जाती है। जो भी दोस्तों न्यूज है आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों के लिए राजस्थान के लगभग संपूर्ण जिलों में भारतीय मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान का मौसम आपको किस तरह का देखने को मिलेगा और दोस्तों कहां कहां पर आपको किस तरह के तापमान में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिला है। तो दोस्तों, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो लगभग राजस्थान के 5 संभागों में यानी कि बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में आपको कई स्थानों पर जोरदार बारिश देखने को मिली थी। इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पूर्व में ही अवगत कराया था कि राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग को छोड़कर शेष राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आपको तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद और सिरोही, जालौर के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज धूल भरी आंधियों के साथ जोरदार बारिश बीते 24 घंटों में देखने को मिली। सर्वाधिक बारिश अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो दोस्तों सीकर में 4 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि पूर्वी राजस्थान की बीते 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। वहीं दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के सरदार शहर चूरू में 8 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग अधिकांश जिलों में तेज धूल भरी आंधियों के साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि जैसा भी माहौल आपको बीते 24 घंटों में देखने को मिला था, जिसके बारे में भी दोस्तों हमने आपको पुरानी वीडियोज में पहले ही अवगत करा दिया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आगामी कितने दिनों बाद फिर से राजस्थान में बारिश की उम्मीद बनने की संभावना है। तो लगभग राजस्थान में 3 से 4 दिनों तक मौसम बिल्कुल शुष्क रहने का अनुमान है। 7 मार्च देर शाम तक राजस्थान में मौसम फिर से एक बार बदलने की संभावनाएं बन चुकी हैं। राजस्थान में फिर से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता आपको 7 मार्च देर शाम तक देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको 7 मार्च देर रात से ही राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 8 मार्च को दोस्तों इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी और दोस्तों 8 मार्च को राजस्थान के कई संभागों में आपको छुटपुट बूंदाबांदी जैसा माहौल भी जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल की स्थिति के अनुसार बात करें तो दोस्तों इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ट्रैक राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में इसका प्रभाव आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसके ट्रैक में कोई अगर चेंजिंग देखने को मिलेगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा।